इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के जीके के एमसीक्यू के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सारे क्वेश्चन लगातार 50 साल से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है रिपीट होते आ रहे हैं ना, आगे भी रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर एग्जाम में बनता है फ्रेंड्स। चाहे आप पीएससी के स्टेट लेवल का एग्जाम दे दीजिए, या फिर चाहे आप कोई भी जो है आपका सीजीएल हो गया, या फिर ऐसे कोई भी एग्जाम देते हैं, हर जगह पे जो है हिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को, क्या सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ, मोहनजोदड़ो जो है कौन से नदी के पास में ये सिचुएटेड है। तो ये जो है ये इंदस रवि के जो है रिवर के पास में जो है ये मोहनजोदड़ो सिचुएटेड था। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु डिस्कवर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को किसने डिस्कवर किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है सीजीएल के एग्जाम में, यानी स्टेट लेवल का हर जो है पीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो किसने डिस्कवर किया था मोहनजोदड़ो को, तो मोहनजोदड़ो को जो है आरडी बनर्जी ने डिस्कवर किया था। यहाँ से ए वाला जो ऑप्शन है ये सही बन जाएगा। इसका आप फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी ग्रैनरीज आर फाउंड इन हड़प्पा, हड़प्पा में कितने ग्रैनरीज थे। तो हड़प्पा में टोटल जो है 6 ग्रैनरीज थे। तो यहाँ से भी ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही बन जाएगा। एंड इन्हें जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे फ्रेंड्स। अगला जो है यहाँ पे, द ग्रेट बैट वॉज फाउंड एट, जो ग्रेट बैट था ये कहाँ पे मिला था, क्या ये मोहनजोदड़ो पे, या फिर हड़प्पा पे, या फिर कलीबंगा पे, या फिर लाथल में मिला था। तो ये जो ग्रेट बैट है ये मिला था मोहनजोदड़ो में, तो ये वाले ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाथल इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ, तो मोहनजोदड़ो जैसे हमारा इंदस के पास में है, उसी तरह अगर लाथल पूछा जाए तो लाथल किस रिवर के पास में है। तो लाथल जो है ये साबरमती रिवर के पास में है, एंड साबरमती रिवर को दैंती रिवर भी कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट इज डिस्कवर इन इंडिया, इंडिया में जो लार्जेस्ट हड़प्पा का साइट है डिस्कवर किया गया है, उस साइट को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका धोलावीरा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को जो है किसने फाउंड किया था, किसने जो है इसका डिस्कवर किया था, या फिर कहते थे किसका, किसने जो है इसका बोइल किया था। तो पाटलिपुत्र का बोइल किया था जो है उदयन ने बोइल किया था पाटलिपुत्र को। तो यहाँ से भी ये वाला ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेहरगढ़ इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ, मेहरगढ़ जो है ये कहाँ पे, किस नदी के जो है बैंक पे है। तो ये जो है ये बलूचिस्तान में है, तो ये बलूचिस्तान में होगा। यानी यहाँ पे इसका रिवर के अगर नाम की बात किया जाए, तो इसके रिवर का नाम है बोलन रिवर होता है, जो बोलन रिवर सिचुएटेड है बलूचिस्तान में, वो वाला यहाँ पे बोलन रिवर होना चाहिए। यानी अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये फ्रेंड्स पाकिस्तान में अभी जो है, पाकिस्तान में अभी ये सिचुएटेड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि राइस कल्टिवेशन इस एसोसिएटेड विद राइस कल्टिवेशन कहाँ पे एसोसिएट हुआ था, यहाँ पे कहाँ पे मिला था। लाथल एंड कलीबंगा में, हड़प्पा में एंड मोहनजोदड़ो में, रोपल एंड बनवाली में, या फिर धोलावीरा एंड जो है दियाबंद में। तो जो है राइस कल्टिवेशन मिला था, ये मिला था लाथल एंड कलीबंगा में। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साउथर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली कल्टिवेशन सिविलाइजेशन वॉज, जो है साउथ के तरफ जो है इंदस वैली सिविलाइजेशन का जो मोस्ट साइट है उसे क्या कहा जाता है। तो साउथ के तरफ जो है उसे कहा जाता है हमारा दयामंदान, जो है डी वाला ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेवरेट फूड ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन पीपल वॉज, इंदस वैली सिविलाइजेशन का जो है पीपल का सबसे अच्छा फूड किसे उन लोग मानते हैं, या फिर किसे जो है वो फूड की तरह जो है ट्रीट करते थे। तो वो जो है व्हीट एंड बेरली को जो है ट्रीट करते थे। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अदिति वॉज गॉडेस ऑफ, अदिति जो है इसे कौन सा गॉड कहा जाता है, इसे क्या फॉरेस्ट का गॉड, मैरिज का गॉड, मदर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, या फिर नाइट गॉड कहा जाता है। तो अदिति को कहा जाता है मदर ऑफ गॉड्स। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा। एंड बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, गायत्री हिम्स जो है ये डेडिकेटेड किया गया है, किसको डेडिकेटेड करके जो है ये लिखा गया है। तो गायत्री हिम्स जो है ये डेडिकेटेड किया गया है ब्रह्मा को। तो यहाँ से ये वाले ऑप्शन जो है सही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ वैदिक एरा, ये बहुत बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगले एग्जाम में ये आपका जरूर पूछा जाएगा। तो जो है नेम ऑफ द करेंसी ऑफ वैदिक एरा, वैदिक एरा का जो करेंसी था उसे क्या कहा जाता है। तो वैदिक एरा की करेंसी को कहा जाता था कि माना एंड मिश्रा, ये दोनों ही जो है कहा जाता था। तो आपके जो क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि ये मिश्रा ऑप्शन में ना रहे सिर्फ माना रहे, या फिर जो है माना ना रहे सिर्फ मिश्रा रहे। अगर दोनों रहे तो जो है कहीं ना आपको बोथ जो है ये भी करेक्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राइट
राइटर ऑफ पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा को किसने लिखा था? तो पूर्व मीमांसा को किसने लिखा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पता होगा कि गौतम ने जो है पूर्व मीमांसा को लिखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला है क्वेश्चन अपना जो हुइज वेदास डील विथ मेडिसिन साइंस, कौन सा वेदास जो है मेडिसिन साइंस को जो है डील करता है? तो जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन है वो मेडिसिन डील करता है अथर्वा को फ्रेंड्स। तो हमने जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन था जो हमारा पूर्व मीमांसा को जो लिखा था ये जामिनी ने लिखा था, गौतम नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जामिनी जो होगा, जामिनी ने जो है इसे रीड किया था। तो यहाँ पे इसे जो है ये 300 या फिर 200 BC के आसपास जो है रिटर्न किया गया था इसको, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओनली जो है महाजनपदा इन साउथ इंडियन में जो ओनली महाजनपदा कौन था? तो साउथ इंडियन में ओनली महाजनपदा था हमारा आसमार्क, जो है एकमात्र जो है महाजनपदा था साउथ इंडिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच किंग इज यूज वेपन रथमोशल, कौन सा जो है किंग जो है रथमोशल इस वेपन को यूज करता था? तो इसे यूज करता था आपका जो है आजाद शत्रु इसे यूज करता था, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ईयर ऑफ हरियंका वंशा वॉज फाउंडेड, हरियंका वंश जो है यानी फिर या कह सकते हैं हरियंका डायनेस्टी जो है ये किस ईयर जो है इसका फाउंडर हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था जो है 545 BC में इसका फाउंडेशन, किसने इसका फाउंडेशन अगर पूछा जाए तो भीमबिसारा ने जो है इसका फाउंडेशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच किंग इज ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली में कौन सा किंग जो है अपना जो है कैपिटल को जो है ट्रांसफर किया था? तो ये किया था शिशुघ्ना ने, तो यहाँ से सी वाले ऑप्शन जो है आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज कॉल्ड इज सेकंड अशोका, सेकंड अशोका जो है इसे कहा किसे कहा जाता है? तो सेकंड अशोका कहा जाता है कनिष्का को जो है सेकंड अशोका कहा जाता है। तो याद जरूर रखिएगा कि कनिष्का को जो है आपका सेकंड अशोका कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा हु ग्रांटेड बार्बर केव टू अजीविका सेक्ट, हु ग्रांटेड बार्बर केव टू अजीविका सेक्ट, अजीविका सेक्ट में जो है बार्बर केव को जो है किसने यहाँ पे ग्रांटेड किया था? तो ये जो किया था ये अशोका ने किया था। तो अभिजीत शेख जो है ये रिलेटेड करता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी जो है अजीविका शेख जो है इसे किससे साथ जो है रिलेटेड है? तो ये जो है ये अशोका के साथ रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। शाकाएरा वॉज इंट्रोड्यूस इन, शाकाएरा जो है ये कब से शुरू हुआ था? तो शाकाएरा जो है शुरू हुआ था 78 AD से, ना कि BC से, 78 AD से जो है शुरू हुआ था शाकाएरा, तो याद जरूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनिष्का, कनिष्का का कैपिटल कौन सा था? तो कनिष्का का कैपिटल कौन सा था फिर हमारा कनिष्का का कैपिटल आप कह सकते हैं पुरुषपुर या फिर जो है आपका पेशावर। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही बन जाएगा, पुरुषपुर या फिर ऑप्शन यहाँ पे दे सकता है कि पेशावर, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने बार फिर से रिपीट हुआ है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ कहा है हु इज द लास्ट रूलर ऑफ मायरा डायनेस्टी, मायरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा है? तो मायरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर से हमारा बृहद्रनाथ जो है, यहाँ से सी वाले ऑप्शन सही बन जाएगा। यही सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो, अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।